अगला टाइप समझेंगे सर। अब अगला टाइप जो है अब गुणा का केस आ गया, टाइप टू हम लोग क्या देखेंगे, जब गुणा का केस आ जाए तब क्या करना है। सर तरीका सब वही है, तरीका सब वही है, वहां पर आप जोड़ रहे थे, यहां पर क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। देखिए यहां ध्यान से, अच्छा निकालना इकाई अंक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा किसका भी कराना पड़ेगा, इकाई अंक का कराना है, सबका गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल किसका गुणा करिए, इकाई अंक का आपस में क्या कराते चलिए, गुणा कराते चलिए। बस वहां जोड़ रहे थे क्योंकि वहां प्लस था इसीलिए जोड़ रहे थे, यहाँ गुणा है तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, और जो प्रोसेस वैसे वहां लगा रहे थे वही प्रोसेस यहाँ भी लगाना है। यहाँ देखिए तीन छक अठारह, अठारह की आठ, आठ दुना का सोलह, तो सोलह की छह, छह अठे अड़तालीस, अड़तालीस की आठ, ये आपका क्या निकल के आ गया, एंसर इकाई अंक हो गया। देखेंगे ध्यान से फिर से एक बार समझिए इस बात को, एक बार फिर से समझिए इस बात को। देखिए तीन छक अठारह, तो अठारह का लीजिएगा आठ, फिर आठ दुना का सोलह, तो सोलह का लीजिएगा छह, और फिर छह अठे अड़तालीस, तो अड़तालीस का आपका इकाई अंक कितना आ गया, आठ, ये आपका एंसर हो गया। सर कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे समझिए, आगे समझिए। यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई अंक से मतलब है सर, क्योंकि आपको निकालना इकाई अंक है। यहां देखिए सात गुना का सात चौक अट्ठाईस, यहाँ कितना है सात है, इसका इकाई अंक चार है, तो सात चौक अट्ठाईस, तो अट्ठाईस का बोलिएगा आठ, और उसके बाद आठ, ये आठ आ जाता, आठ अट्ठाई चौसठ, तो चौसठ का लिखिएगा चार, अब आगे कुछ नहीं है, तो यही चार आपका क्या हो गया, एंसर हो गया, चार क्या हो गया आपका, एंसर हो गया। आगे समझिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ बात को ध्यान से समझना थोड़ा, देखिए यहाँ पर कुछ कुछ गुणा का क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे अभी ये तरीका जितना भी गुणा का क्वेश्चन होगा सब में लगेगा, जो अभी बता दिए पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये तरीका सब में लगेगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है इसमें जो सिर्फ का जिसका आंसर आप सिर्फ देख कर कर सकते हैं। समझिए कैसे, अगर गुणा के केस में किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है, किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है, तो उस पूरे गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक कितना आना है, जीरो, पूरे गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक कितना आ जाएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि जीरो में आप किसी भी संख्या से गुणा करिए क्या आना है, लास्ट में जीरो ही आना है। समझिए दो दुनी के चार, चार छके चौबीस, चौबीस का चार ले लीजिए, और चार इंटू जीरो जीरो। अगर गुणा के केस में किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी एक संख्या का इकाई अंक जीरो है, तो पूरा का पूरा इकाई अंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे समझिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो चीज समझ में आया ना, इसका आंसर आप देखते देखते करिएगा, बाकी इस तरीके से भी लगाना चाहे तो लगा लेंगे। इस वाले को समझिए यहाँ पर, अगर मान के चलिए गुणा के केस है, गुणा का केस है, और सबके सब संख्या विषम है, सबका सब संख्या क्या है, विषम है, ऑड है, सबका सब संख्या विषम है, ऑड है, और उसमें कोई भी एक संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक पांच है, जिसका इकाई अंक क्या है, पांच है, तो उस पूरे गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक पांच ही होता है। ये समझिए बात को ध्यान से, फिर से हम दोहरा रहे हैं, अगर पूरा गुणा का केस है, पूरा का पूरा संख्या क्या है, जितनी भी उसमें संख्याएं लिखी है सबकी सब विषम है, सब किस्म क्या है ना, होनी चाहिए विषम होनी चाहिए, और साथ ही किसी भी एक संख्या का इकाई अंक पांच होना चाहिए, चाहे कम से कम, कम से कम एक संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए, पांच हो जाए, और सब का सब संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो वैसे केस में उस गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक कितना आता है, पांच आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पांच में किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा कर दीजिए आप, पांच में किसी भी विषम संख्या के साथ आप गुणा कर दीजिए, ऑड नंबर के साथ गुणा कर दीजिए, इकाई अंक हमेशा पांच ही आता है उस संख्या का। करके भी देखिए इस मेथड से, देखिए पचास पच्चीस, पच्चीस की पांच, अब पांच सत्य पैंतीस, पैंतीस की पांच, पांच नवा पैंतालीस, पैंतालीस की पांच, अब पांच एकम पांच, आ गया ना आंसर पांच, तो हमेशा क्या आएगा, पांच ही आएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, इसमें बात को समझेंगे, सांकेतिक वाला क्लियर करिए, ऐसा क्वेश्चन गुणा के केस में जो आप देख कर ही आंसर कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन को आप क्लियर रखिएगा। अगर गुणा के केस में किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो है, तब पूरा का पूरा गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक जीरो हो जाता है। गुणा के केस में सभी की सभी संख्याएं विषम है, अब कम से कम किसी भी एक संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए, पांच हो जाए, तो पूरे गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक क्या हो जाता है, पांच हो जाता है। अभी एक बात को और समझिए, जैसे हम एक यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस बात को समझिएगा, एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं,
ये क्वेश्चन आपके सामने आया। तो एक तो तरीका जो बेसिक हम आपको बताएं उससे तो सब लग जाएगा, लेकिन तीन को क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है जो डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आप केवल देख कर क्वेश्चन कर सकते हैं। तीन टाइप इसमें ऐसा बनता है। एक टाइप आपको बताएं कि गुणा के केस में कहीं जीरो देखिएगा तो डायरेक्ट जीरो मार दीजिएगा। दूसरा पूरा संख्या, गुणा के केस में पूरा संख्या अगर क्या दिया विषम दिया और कोई भी एक संख्या का इकाई अंक पांच दे दिया तो डायरेक्ट इकाई अंक क्या बोलिएगा पांच। और ये समझिए अगर गुणा का केस हो और कोई भी एक संख्या ऐसा जिसका इकाई अंक पांच हो और कोई भी एक संख्या ऐसा जो सम संख्या हो, समझिएगा गुणा के केस में अगर कोनो एक वो संख्या आपको इसमें सम दिख जाए, कोई भी कम से कम एक वो संख्या आपको क्या दिख जाए सम दिख जाए, देखो 32 सम संख्या दिख गया ना, जरूरी नहीं है कि एक के दिखे एक से अधिक भी दिख सकता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात को समझिएगा अगर कोई भी एक संख्या आपको सम दिख जाए और कोई भी एक संख्या ऐसा दिख जाए जिसका इकाई अंक पांच हो तो उस स्थिति में पूरे गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पांच में किसी भी सम संख्या से आप गुणा करेंगे तो इकाई अंक उसका जीरो आएगा। पांच में आप किसी भी सम संख्या से गुणा कर दीजिए, इवेन नंबर से गुणा कर दीजिए, इकाई अंक हमेशा क्या आता है जीरो आता है। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा। आप नॉर्मल भी करके देखिए, तीन दुना का छ, छ सत्य 42 का दो, अच्छा दो ती आई छ, फिर छ पंजे 30 और 30 का कितना आ गया जीरो इकाई अंक। तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं दिमाग में ये बात बैठाकर कि अगर किसी भी संख्या का इकाई, कोई भी एक ऐसा संख्या गुणात्मक व्यंजक में जो एक सम संख्या है और कोई भी एक संख्या ऐसा मिल जाए जिसका इकाई अंक पांच है तो उस पूरे गुणात्मक व्यंजक का इकाई अंक कितना हो जाता है जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी पांच में किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक कितना आ जाता है जीरो आ जाता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे कि नहीं बना देंगे। जैसे हम आपको गुणा वाला कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप यहां पर इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका। याद देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन याद दे रहे हैं, इसका आंसर करिए, इसका इकाई अंक कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। इसका आंसर करिए सर, इकाई अंक कितना आएगा ये तो देख के बता देंगे आप। अभी जो तीन वो नियम बताए उसी पर आधारित है, वो नियम कुछ नहीं है, आपको बस देखते ही आंसर करना है वहां पर। और अगर नहीं अगर याद आ रहा है नियम तो बेसिक से तो सबको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इस पर, इसका आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये आपका टाइप वन था, इसका आंसर आप लोग करिएगा। ये आपका टाइप वन और टाइप टू यहां पर क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि अगर गुणा का भी केस आ जाए, भाग घटाओ का भी केस आ जाए और जोड़ का भी केस आ जाए, सब एक में आ जाए, गुणा जोड़ घटाओ सब एक में आ जाए, तब उसको कैसे सॉल्व करना है वहां पर हम लोग इस चीज को देखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप इसको क्लियर करिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। जय हिंद।